गया महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं अब मैं गया के महात्म्य का वर्णन करूंगा। गया श्रेष्ठ तीर्थों में सर्वोत्तम है। एक समय की बात है, गए नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने क्षीरसागर शाही भगवान विष्णु के समीप जाकर कहा, भगवान आप गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए। तथास्तु कहकर श्रीहरि गयासुर के पास गए और उससे बोले, कोई वर मांगो। दैत्य बोला, भगवान मैं सब तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवान चले गए। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य का दर्शन करके भगवान के समीप जा पहुंचे। पृथ्वी सूनी हो गई। स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता श्रीहरि के निकट जाकर बोले, देव श्रीहरि पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गए। दैत्य के दर्शन मात्र से सब लोग आपके धाम में चले गए हैं। ये सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम संपूर्ण देवताओं के साथ गयासुर के पास जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगो। भगवान का ये आदेश सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के समीप जाकर उससे बोले, दैत्य प्रवर मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि होकर आया हूँ और तुम्हारे पावन शरीर को यज्ञ के लिए मांग रहा हूँ। तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ किया। जब पूर्णाहुति का समय आया तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा। ये देख प्रभु ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान विष्णु से कहा, देव गयासुर पूर्णाहुति के समय विचलित हो रहा है। तब श्री विष्णु ने धर्म को बुलाकर कहा, तुम इस असुर के शरीर पर देवमय शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाएं। देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी इस पर विराजमान होगी। ये सुनकर धर्म ने देवमय विशाल शिला उस दैत्य के शरीर पर रख दी। शिला का परिचय इस प्रकार है, धर्म से उनकी पत्नी धर्मवती के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम धर्मव्रता था। वो बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने उसके साथ विवाह किया। जैसे भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ और भगवान शिव श्री पार्वती जी के साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मप्रता के साथ रमण करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल से कुशा और पुष्प आदि ले आकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रता से कहा, प्रिय मेरे पैर दबाओ। बहुत अच्छा कहकर प्रिया धर्मव्रता थके मांदे मुनि के चरण दबाने लगी। मुनि सो गए। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए। धर्मव्रता ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी का पूजन करूं या अभी मुनि की चरण सेवा में नहीं लगी रहूं। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति के भी पूज्य हैं, अतः इनका पूजन करना ही उचित है। ऐसा विचार कर वो पूजन सामग्रियों से ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। नींद टूटने पर जब मरीचि मुनि ने धर्मव्रता को अपने समीप नहीं देखा तब आज्ञा उल्लंघन के अपराध से उसे शाप देते हुए कहा, तो शिला हो जाएगी। ये सुनकर धर्मव्रता कुपित हो उनसे बोली, मुने चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिता की पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूं। ऐसी दशा में भी आपने मुझे शाप दे दिया है, अतः आपको भी भगवान शिव से शाप की प्राप्ति होगी। यूं कहकर धर्मव्रता ने शाप को पृथक रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश करके वो हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु आदि देवताओं ने कहा, वर मांगो। धर्मव्रता देवताओं से बोली, आप लोग मेरे शाप को दूर कर दें। देवताओं ने कहा, शुभे महर्षि मरीचि का दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा। तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला हो जाओगी। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम्हें शिला का स्वरूप धारण करना होगा। उस समय तुम देवव्रता देवशिला सर्वदेव स्वरूपा सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी। देवव्रता बोली, देवताओं यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और गौरी लक्ष्मी आदि देवियां सदा विराजमान रहें। अग्निदेव कहते हैं, देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्ग को चले गए। उस देवमय शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा, परंतु वो शिला के साथ ही हिलने लगा। ये देख रुद्र आदि देवता भी उस शिला पर जा बैठे। अब वो देवताओं को साथ लिए हिलने डोलने लगा। तब देवताओं ने क्षीरसागर शाही भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। श्रीहरि ने उनको अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान की और कहा, देवगण आप लोग चलिए, इस देवगम्य मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं वहां उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार उस दैत्य के शरीर को स्थिर रखने के लिए यथाव्यक्त व्यक्ताव्यक्त उभय स्वरूप साक्षात गदाधारी भगवान विष्णु वहां स्थित हुए। वे आदि गदाधर के नाम से उस तीर्थ में विराजमान है। पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसे श्री विष्णु ने मारा और उसकी हड्डियों से
विश्वकर्मा ने गदा का निर्माण किया, वही आदि गदा है। उस आदि गदा के द्वारा भगवान गदाधर ने हेति आदि राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे आदि गदाधर कहलाए। पूर्वोक्त देवमयी शिला पर आदि गदाधर के स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति दी। तदनंतर गयासुर ने देवताओं से कहा, किस लिए मेरे साथ वंचना की गई है? क्या मैं भगवान विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? देवताओं, यदि आपने मुझे शिला आदि के द्वारा दबा रखा है तो आपको मुझे वरदान देना चाहिए। देवता बोले, दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, अतः ये तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदि के लिए ये क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यूं कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदि ने भी उसे अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजों को दक्षिणाएं दी। 5 कोस का गया क्षेत्र और 55 गांव अर्पित किए गए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बना कर दिए। दूध और मधु की धारा बहाने वाली नदियां समर्पित की। दही और घी के सरोवर प्रदान किए। अन्न आदि के बहुत से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष तथा सोने चांदी के घर भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने ये सब वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से कभी याचना न करना। यूं कहकर उन्होंने वे सब वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, अब तुम लोग विद्याविहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब दूध आदि का अभाव हो जाएगा और ये सुवर्ण शैल भी पत्थर मात्र रह जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आपके शाप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, अब हमारी जीविका के लिए कृपा कीजिए। ये सुनकर वे ब्राह्मणों से बोले, अब इस तीर्थ से ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक किसी वृत्ति से तुम जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ में आएंगे, वे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो हव्य, कव्य, धन और श्राद्ध आदि के द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितर नरक से स्वर्ग में चले जाएंगे और स्वर्ग में ही रहने वाले पितर परम पद को प्राप्त होंगे। महाराज गए ने भी उस क्षेत्र में बहुत अन्न और दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया था। उन्हीं के नाम से गयापुरी की प्रसिद्धि हुई। पांडव ने भी गया में आकर श्रीहरि की आराधना की थी। गया